Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. तो क्या हमको पॉसिबली हमारे करंट यूनिवर्सल चैंपियन ट्राइबल चीफ रोमन रेंस उनकी चैंपियनशिप रिलिंक्विश कर दी, जिसे देख सकते हैं क्योंकि पता है रोमन रेंस को रिसेंटली हो गया है COVID-19 कोरोना वायरस। तो क्या ऐसे बहुत ही ज्यादा रूमर्स आ रहे हैं कि रोमन रेंस शायद से उनकी यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिलिंक्विश करते हुए देख सकते हैं। सो आज एपिसोड में यही बात करने वाले कि क्या सच में रोमन रेंस ये चीज कर सकते हैं। सो गाइस पूरा डिटेल जानने के लिए ये वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है अगर आप रोमन रेंस के बड़े वाले फैन हो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। बस पहले ना बात करते हैं जैसे रूमर्स क्यों आ रही है पॉसिबली गाइस रोमन रेंस उनकी चैंपियनशिप रिलिंक्विश करते हुए देख सकते हैं। आपको पता है रोमन रेंस को गाइस डे वन के आसपास ही गाइस कोरोना वायरस होगा जो कि पता है गाइस COVID-19 जो कि अभी गाइस पूरे दुनिया में बहुत ही बड़े संख्या में फैल रहा है। इसी दौरान गाइस हमारे यूरोपियन रोमन रेंस को भी गाइस यही टाइम पे COVID-19 हो गया। रोमन रेंस उनका लक खराब है क्योंकि रोमन रेंस गाइस उनको एक कैंसर के नाम की ल्यूकेमिया नाम की डिजीज हो गया। 2018 में गाइस रोमन रेंस ने WWE छोड़ दी क्योंकि उनको कैंसर फिर से हो गया था। गाइस इसके वजह से रोमन रेंस की इम्यूनिटी है गाइस जो बहुत ही वीक हो गई थी। जो कोरोना वायरस है गाइस जिनके वीक इम्यूनिटी रहते गाइस वो उनको सबसे पहले अटैक करते हैं, इसलिए रोमन रेंस को गाइस COVID-19 हो गया। बात करें गाइस क्या सच में गाइस रोमन रेंस चैंपियनशिप रिलिंक्विश कर सकते हैं, तो गाइस इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है क्योंकि WWE गाइस अब देखते हैं गाइस चैंपियनशिप तभी रिलिंक्विश करेगा क्योंकि तभी गाइस चैंपियन गाइस शो पे एक दो महीने के लिए नहीं हो सकता। गाइस WWE मैक्सिमम एक चैंपियन को गाइस एक महीने तक का रिकवरी टाइम हमेशा रहती है। गाइस एग्जांपल गाइस लास्ट गाइस ड्रू मैकइंटायर भी COVID-19 पॉजिटिव आए थे और इस तभी गाइस WWE ने 2 से लेकर 3 हफ्ता वेट किया ड्रू मैकइंटायर को ठीक होने के लिए, फिर गाइस WWE ने उनको फिर से चांस दिया WWE में आने के लिए। गाइस सेम चीज रोमन रेंस का, रोमन रेंस का अलग क्योंकि रोमन रेंस गाइस कंपनी के सबसे बड़े स्टार है और जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन लेके आते हैं WWE में। और प्लस गाइस जो रेन है गाइस यूनिवर्सल चैंपियनशिप की जो कि गाइस ओवर 480 डेज के ऊपर गई है गाइस, गाइस उसमें गाइस रोमन रेंस ने बहुत ही बड़े बड़े काम किया। गाइस इतने बड़े रेन गाइस आपको लगता है कि कोई ऐसे छोटे मोटे रिलिंक्विश से खत्म होगा? यानी गाइस रोमन रेंस की इंजरी बोलते डीजी से इतनी सीरियस भी नहीं है और गाइस रिपोर्ट्स भी आ रही है शायद से गाइस रोमन रेंस ये कमिंग स्मैकडाउन के एपिसोड में उनका WWE रिटर्न भी करते हुए दिखने वाले हैं। इसलिए रोमन रेंस का कोई चैंपियनशिप रिलिंक्विश नहीं करने वाले और गाइस वो अभी भी पूरा ठीक है और उनको जल्द ही उनका WWE रिटर्न करते हुए दिखने वाले इन द कमिंग वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक के आसपास। और गाइस जो रिलिंक्विश करने की बात है गाइस वो पूरी फेक है, रोमन रेंस का चैंपियनशिप रिलिंक्विश नहीं करने वाले। अगर रोमन रेंस पूरा एक महीना भी ऑफ लेते गाइस फिर भी वो चैंपियनशिप रिलिंक्विश नहीं करेंगे, रोमन रेंस कंपनी के बड़े स्टार है और प्लस गाइस उनकी रेन इतनी बड़ी रहे कि गाइस उसको एक अच्छा फेयरवेल एंडिंग मिलना चाहिए। और रोमन का एक नॉर्मल कोविड की डिजीज हुई है तो वो आराम से उसे रिकवर कर लेके जल्दी, इसलिए गाइस पूरा चीज फेक है क्योंकि WWE चैंपियन को हमेशा चैंपियनशिप तभी रिलिंक्विश करे तभी गाइस चैंपियन 2 से लेकर 3 महीने तक WWE नहीं आ सकता। इसलिए गाइस WWE के कोई चांसेस नहीं कि रोमन रेंस चैंपियनशिप रिलिंक्विश करने वाले और इन द फ्यूचर गाइस एज अ यूनिवर्सल चैंपियन रिटर्न करते हुए दिखने वाले हैं। और गाइस अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक और गाइस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिले।